सो हेलो एंड गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं हूं उमेश और आप देख रहे हो मेरे जोश की ब्लॉग। सो गाइस, आज 7 मार्च 2022 और सुबह के बज रहे हैं ठीक 7। तो अभी मैं घर से बाहर निकला हूं क्योंकि अभी अंदर अंधेरा सा, तो मैं ऐसे से बाहर जाके ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो सोमवार है आज और एकदम ठंडी ठंडी सुबह हो रही है। सूरज भी अभी उगा हुआ है पर दिख रहा नहीं है, बादलों के कारण छुपा हुआ है। तो आज तो हमारा इंग्लिश का फर्स्ट एग्ज़ाम है, तो प्रिपरेशन ठीक ठाक कर लिया पर सेटिस्फेक्शन नहीं है। सेटिस्फेक्शन तो होता ही नहीं है, तो वो नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है एग्ज़ाम में। आज प्री बोर्ड है हमारा, तो अभी चलते हैं स्कूल की ओर। और जल्दी जाना था, 7:30 बजे पहुँचना है क्योंकि 8 बजे एग्ज़ाम शुरू है। तो थोड़ा बहुत ही बैठ के प्रिपेयर वगैरह कर लेंगे। तो अभी खाना वगैरह बन रहा है वो खाते हैं। और आपको जैसे पता ही है, आप लोगों ने देख ही लिया होगा ब्लॉग कल वाला, उसमें मैंने बताया था कि नेट ओवर हो गया। तो आज नेट नहीं है, तो अभी शाम को रिचार्ज करवाएंगे। अभी तो फिर मैंने वीडियो भैया के नेट से कल अपलोड करके शेड्यूल कर दी थी। आई होप कि अभी तक 7 बजे तक चली गई वो वीडियो। तो आई होप कि आपने वो भी देख ली हो। और जो चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर दें और वो वीडियो देखी जिसने प्रीवियस वो भी देख ले। तो अभी चलते हैं अंदर और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। वैसे मैं खाना वगैरह खा चुका हूँ और अभी छत पर आया हूँ। तो पता नहीं आज यहाँ पर कुछ, शायद यहाँ पर, हाँ यहाँ पर कुछ और था, पता नहीं कल रात से हुआ ये। मैं सोया हुआ था फिर पता नहीं क्या हुआ। अभी सुबह उठ के देखा मैंने, अभी जब वीडियो बना रहा था तभी मेरे को ध्यान में नहीं था क्योंकि इस फ़ोन का बैक कैमरा यूज़ करता हूँ ना मैं, तो इसलिए मेरे को दिखाई नहीं देता कि सामने क्या चल रहा है। मेरे को अपना फेस दिखाई नहीं देता, उसमें फेस भी थोड़ा इधर साइड आ रहा था, इसमें शायद सेंटर पे आ रहा हूँ। मैंने इसमें थोड़ा सा एंगल सा बनाया अपने हिसाब से। तो वैसे पता नहीं यहाँ पे कुछ और है, तो इसे इग्नोर करते हैं। तो अभी चलते हैं स्कूल की ओर। 7:20 बज के ठीक 20 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट में पहुँच सकते हैं तो पहुँच लेंगे, वरना कोई बात नहीं 40 पे पहुँच जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलते फिर और मिलते हैं आपसे स्कूल से आके, फिर बताता हूँ आपको पेपर में क्या हुआ था। तो चलिए गाइस, और हाँ ऑल द बेस्ट तो कह दो कम से कम यार, पेपर चलते। सो गाइज, मैं आज कौन स्कूल से घर, और अभी बच्चे गए शाम के 5। आज पेपर था हमारा इंग्लिश का, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। तो पेपर एकदम बढ़िया हुआ, 3 पर्चे पूरे भर दिए, यानी एक पर्चे में 4 सीटें, चार एक शीट में 3 सीटें भर दी, एक शीट में 4 पर्चे होते हैं, तो लगभग 4 से 12 पेज भर दिए इधर उधर के लगा के। तो पेपर अच्छा हुआ था पर लेंदी बहुत ज़्यादा था। 40 नंबर के MCQs आए थे और 40 नंबर का सब्जेक्टिव पेपर था। बहुत ज़्यादा लेंदी हुआ था पेपर, फिर भी हो गया था 5 मिनट पहले हुआ था। पर शायद क्या बता, मुझे लगता नहीं कि बाकी पेपर हो जाएंगे इतनी जल्दी क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा ही लंबा आ रहा था, कुछ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो आज कुछ और भी मिला स्कूल से, तो चलिए चलते दिखाते हैं आपको। सो ये देखिए गाइस, ये गाइस मेरे को मिला है सर्टिफिकेट, मिला है ये योगा का। तो अभी अभी मिला था मेरे को, आज ही मिला स्कूल से। और बहुत पहले कर लिया था योगा, जो शायद आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, जिसने नहीं देखी वो देख लेना। और लिंक मैं अपनी आपसे मतलब लिंक में डाल दूंगा, आप लिंक में से देख लेना, वरना क्या ज़रूरत है, चैनल में घुस के ऐसे देख लेना आप लोग। सूर्य नमस्कार वाली वीडियो थी तो वो देख लेना आप लोग। और आज से व्लॉग्स शायद छोटे छोटे ही बने क्योंकि ये क्लास स्कूल लग रहे हैं, मतलब पेपर होने तो इसलिए टाइम से नहीं लगता है एडिटिंग वगैरह का भी। और वैसे भी तो आज से छोटे छोटे व्लॉग बनाऊंगा कुछ दिनों तक, जब तक कि पेपर वगैरह चल रहे हैं। तो अभी मम्मी और तो गए हुए हैं वहाँ पे मंदिर में, गए हुए हैं क्योंकि आज सोमवार है तो शिव जी की वो हो रही है। शायद ढोल की आवाज़ सुनाई भी दे रही हो आपको बैकग्राउंड में। और अभी बाहर भी कोई आया नहीं क्योंकि सब लोग पढ़ रहे हैं। मैं भी जाऊँगा अभी, मैं भी पढ़ता हूँ थोड़ी देर और फिर चला जाऊँगा खेलने के लिए, थोड़ी देर रेस्ट भी चाहिए। अजीब सी थकावट हो रही है अंदर से, पता नहीं क्यों थक सा गया मैं। तो गाइस तब तक करते हैं हिंदी का याद, क्योंकि आपको मैंने बताया था पेपर है तो उसका थोड़ा लेंदी पेपर आएगा। और हिंदी बहुत ज़्यादा मुश्किल सी भी है, मतलब आती है हमें, ये मुझे पता आती है, पर थोड़ी उसमें बहुत ज़्यादा कठिनाई सी भी है कुछ। एक बुक का नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम, वो थोड़ी मुश्किल है, तो उसकी थोड़ी बहुत प्रिपेयर कर लेते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और जो नए चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब कुछ कर दें, मतलब जो भी होता है कमेंट वगैरह सब कुछ कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।